सब्सक्राइब करना तो फ्री ही है ना, तो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, आज है 100 डे चैलेंज का 16वां दिन। 16वां दिन, 16 डे। सो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा उल्टे से शुरू हो रहा है। उल्टे मतलब मैं शाम के वक्त एक स्नैक खा रही थी तो वहीं से शुरू कर रही हूँ। फिर मैं सुबह के बाद से बाकी सारा जो काम है पूरा दिन का वो दूंगी। तो वो स्नैक का रिव्यू ज़रूर देखना, ठीक है? आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। एक घंटा से लगभग बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं पढ़ने बैठी थी और मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है? मतलब ये मेरा अंदर का जो भूख है वो नहीं, मेरा मन का भूख है, ठीक है? मैंने मतलब मेरा पेट का भूख नहीं है, मतलब मेरा मन का भूख है। और इसे मिटाने के लिए तो दीदी ने बहुत सारा स्नैक्स भेजा था मेरे लिए, तो मम्मी ने ले आया था। तो उससे मेरा फेवरेट एक स्नैक्स है मखाना। आई लव मखाना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मखाना खाना, पर ये वाला नहीं। मतलब जो शादी वाली होते हैं नो मसाला वाला, वो मतलब नॉर्मल मखाना जो वाइट मखाना होता है वो, मतलब ओरिजिनल जो मखाना होता है वो, पर ये मसाला वाला मखाना है। तो इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और चलो इसको रिव्यू करते हैं। तो अगर आप लोगों को मखाना के बारे में पता नहीं, तो वो होता है जो लोटस फ्लावर होता है उसका जो बीज होता है ना, उसको मतलब आग में सेका जाता है, फिर वो मतलब कॉर्न के जैसा होता है कुछ कुछ, मतलब कॉर्न से पॉपकॉर्न बनता है, ठीक है? तो वैसे ही जो लोटस के मतलब बीज होता है उससे मखाना बनता है। तो ये है स्नैक्स फैक्ट्री का स्नैक्स बेटर मखाना, पॉप्ड फॉक्सनट, उसे मतलब मखाना और फॉक्सनट भी बोला जाता है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का है, मतलब मेरा दीदी बहुत ज़्यादा अमीर है, मैं नहीं हूँ। तो ये देख रहे हो, ये है वो वाला चीज़ जो मेरा फेवरेट है, मतलब मसाला बिन मसाला की सस्ते वाला फेवरेट है। मतलब मखाना बहुत ज़्यादा कीमती होता है, मतलब दुनिया के, क्योंकि लोटस उतना होता नहीं है ना, तो मखाना उतना पॉपुलर नहीं है, पर अब पॉपुलर हो रहा है, ठीक है? तो मखाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कीमती भी है। मुझे तो मतलब ख़रीदने में कैसा कंजूसी आता है। तो व्हाटएवर, तो इसका रुपए तो 20 है। तो और ये रहे पैकिंग, तो मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ कितना सारा है इसमें। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, शायद 10 बड़ा हो गए। तो देख रहे हो आई वी पैक्ड है, अब मैं इसे आओ हो गया ये पॉप्ड। मैं एक हाथ में फ़ोन को पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से खोल रही हूँ, इसलिए ऐसे खोलना पड़ रहा है। मसाला की गन देखो, इतना सा ही है, बस पता था इतना सा ही होगा, क्या मिलेगा। अच्छे से खोलती हूँ, ये है, ये है मसाले वाले मखाना। ये देखो, ये तो गिर गई, ठीक है चलो खा के देखती। अच्छा नहीं है, मुझे मसाला वाला पसंद नहीं है। क्यों मसाला लगाकर खाते हैं लोग ये, पता नहीं। मुझे तो पॉपकॉर्न में भी मसाला नहीं पसंद, मतलब नमक भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? बटर हो तो ठीक है, चलो चलता है, पर पॉपकॉर्न में मुझे बिना बटर बिना नमक बिना कोई मसाला के पसंद है। और ये भी, मतलब मैं मेरे लाइफ में मसाला नहीं लेना चाहती, बहुत बेकार है इसका टेस्ट, बहुत ही बेकार, पर खाना पड़ेगा। ये हेल्दी कैसे हो सकता है इतना मसाला वाला? तो देखो दोस्तों, इतना मतलब क्या है भाई, पूरा पैकेट ही खाली है, सिर्फ इतना मखाना है 20 रुपए में। हाय, मतलब इससे ज़्यादा कुरकुरे कुरकुरे का पैकेट में ज़्यादा होता है,
इतना सा मखाना क्यों भाई क्यों? ठीक है चलो इसे ही खाती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मेरे व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये है अरबी के पौधे। तो आज जब मैं फूल तोड़ने के लिए गार्डन में आई तो देखी बहुत ज़्यादा अरबी हो चुकी है हमारे गार्डन में। मतलब हर जगह अरबी और अरबी के पौधे। ये वाला ब्लैक वाला अरबी के पौधे होते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो मम्मी को मैंने बोला कि आज अरबी को कुक करोगे मॉम? तो मॉम ने कहा हाँ ठीक है। तो इसलिए मॉम चली आई और ये मैं फिजूल काम में व्यस्त हूँ। तो मम्मी उधर अरबी के पौधे है वो काट रही है और मैं मेरे हाथ के साइज अरबी के पत्ते के साइज के साथ मिला रही हूँ और देख रही हूँ मतलब कौन कितनी बड़ी है मेरे हाथ से। तो मैं वो चेक कर रही थी और मॉम इधर काम कर रही थी। मतलब अरबी के जो पौधे है बहुत सारा वैरायटी है, 4-5 टाइप के वैरायटी है। यहाँ पर ये जो ग्लेजी वाला था पहले वो वाला मतलब ख़तरनाक टाइप का है। तो यहाँ पर देखो जो पुई साग है ना, मतलब एक टाइप का शाक है, तो ग्रीन वेजिटेबल है। तो इसको मैंने लगाया था तो देखो ये बड़ा हो गया और मम्मा आज इसे तोड़ रहा है। इसका साग हम खाएंगे और ये रहे अरबी जो हो गया। तो मैं साग को लेकर आ रही हूँ और मम्मी पीछे पीछे अरबी के जो है वो लेकर आ रहे हैं। फिर से मैं फिजूल काम कर रही हूँ। तो आज ये पुई साग होगा घर में। तो मम्मा ने कहा कि अरबी के जो है पत्ते और जो पौधे वो हम कल या परसों कुक करेंगे, आज पुई साग करेंगे। तो पुई साग को लेके मैं चल रही हूँ और ये रहे मेरा फूल। तो सुबह सुबह मेरा जो फूल उठाना हो गया है। आज गार्डन में बहुत ही कम फूल था तो आप लोगों को देखकर समझ ही आ रहा है थोड़ा सा ही फूल था। तो ठीक है। और ये मम्मी चली आई और पास के जो घर है वो नेबर लोगों को मम्मी बोली कि हम लोग भी खा रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी क्योंकि बहुत सारा हमने तोड़ा था अरबी के पौधे। तो मैं ऊपर जो छत है वहाँ पर चली आई हूँ। तो यहाँ पर आज 4 जो फ्लावर है, ये नारंगी वाला मतलब जो ये जो हिबिस्कस है ये हुआ है। और ये देखो जो एडनियम के पौधे में कल बोल रही थी उसमें आज फ्लावरिंग हो गया है। कल तो बर्थ थी उसका। तो सुबह का जो नाश्ता है मतलब ब्रेकफास्ट, तो रोटी थी और सब्जी। देख सकते हो कितना ज़्यादा काले घने बादल है आसमान पर आज। शायद आज बारिश होगा, पता नहीं, गरज तो रही है। हमारे यहाँ एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। थोड़े थोड़े बारिश के बूंद गिर तो रहा है पर पता नहीं कितना होगा। देखो इस तरफ पूरा साफ़ है, देखो इस साइड तो साफ़ है, सिर्फ इस साइड ही थोड़ा सा बादल है। देखो ये सारे पौधे मुरझा चुके हैं, कल मैंने पानी नहीं दिया था जब शाम के वक्त था क्योंकि मैंने सोचा था बहुत बारिश होगा। कल बहुत ज़्यादा मतलब पूरा अंधेरा सा हो गया था, मतलब बहुत ही बारिश होगा ऐसा संभावना थी, पर देखो कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ा पेड़ पौधे सब कुछ मुरझा चुके हैं। कब यह बारिश आएगा, बारिश हो जाए सिर्फ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा एलोवेरा है, तो ये जो एलोवेरा है ये हम बालों पर लगाते हैं। कल मैंने शैम्पू दिया था तो आज मैं एक पत्ता तोड़ के फिर बालों पर लगाऊंगी। इसके जो जूस होता है पल्प वो तो हो गया मेरा काटना। और ये देखो जो येलो सैप है ना, इससे मतलब ये जहर होता है, टॉक्सिक होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ देर के लिए रख देंगे। तो ये जो येलो सैप है ये निकल जाएगा, फिर हम इसको बालों में लगाएंगे। ये देखो मेरा हाथ पर थोड़ा सा गिरा है, मैं थोड़ा सा। छत के ऊपर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, अब बहुत तेज़ हवाएं हैं, मतलब हवा का झोंका आ रहा है एक एक बार में, देख सकते हो आप लोग। देखो बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, शायद दिख नहीं रहा है उतना पर तेज़ था हवा। मतलब थोड़ी सी बारिश गिरी और पूरा ठंडक मिल रहा है, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्या बताऊँ। थोड़ी सी बारिश हुई है और हवा का झोंका है, बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँच रही है। हाँ अच्छा लग रहा है अब मुझे थोड़ा सा। तो वो जो टॉक्सिन था उसे निकालने के लिए मैंने एक बोल लिया है, उनमें थोड़ा सा पानी लिया है और जो पत्ते था उसको छोटे छोटे पीस करके इन पानी में डुबो रखा है। 30 मिनट तक डुबोंगी, फिर इससे जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएगा। और ये देखो ये एक पौधा है, ये अरबी नहीं है, एक मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका
पत्ते से देखो जो रूट है वो निकल रहा है, मतलब कितना आश्चर्य है ये। तो हो गया समय 30 मिनट, फिर मैं इसको काट रही हूँ। देखो इसको टू हाफ में ऐसे डिवाइड करूँगी और इसके जो अंदर का जेल है, जेली टाइप, वो निकल आएगा। देखो पत्ते के अंदर ये देखो जेली टाइप है, तो इसको मैं कुरेद लूँगी ऐसे, जो स्क्रैप वगैरह, हाँ स्क्रैपिंग कर रही हूँ मैं। देखो 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 पूरा एकदम जेल जैसा, कैसे स्लाइम टाइप है, स्लाइमी टाइप, मतलब वो जो होता है ना वैसा टाइप है। देखो म्यूसिन टाइप है, थोड़ा म्यूकस म्यूकस टाइप है। तो देख सकते हो ये जो दो पत्ते हैं, इससे जूस था, मैंने पूरा ही निकाल लिया इसको। देख सकते हो ये रही इसका जो जूस है, मेरे दिखाने के लिए ऐसे ट्रांसपेरेंट जो जो बॉल है, इसलिए मैं लिया था क्योंकि आप लोगों के साथ ये शेयर कर पाऊँगी। तो ये पत्ते से मैंने पूरा कुरेद लिया था और ऐसा है, ऐसा था इसका जूस, देख सकते हो। ये देखो ऐसा था, इसके अंदर जूस होता है, तो इसको पूरा मैंने निकाल लिया इससे। और अब मैं इसको मेरा जो बालों में सेक्शन करके लगाऊंगी। ये क्या हो गया, बाल है पूरा मैं ऐसे लगा दूंगी। कितना ठंडा पहुंच रहा है, तो बालों को जो जड़ है उनके अंदर में इसको दे दूंगी। मैं डायरेक्ट सिर्फ ये एलोवेरा जेल ही अप्लाई कर रही हूँ। अब थोड़ा सा इस हिस्से में दे दूंगी। ये देखो दे दिया, थोड़ा सा इधर पे सेक्शन करके इधर भी दे दूंगी। और थोड़ा सा बाकी है, इसको पूरा सिर के ऊपर ले लूंगी। आज
मुझे रिकॉर्डिंग के लिए पूरा गिर रहा है। कितने हवाएं चल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि मैंने जेल लगाया है बालों में। फिर मैं जब सूख जाएगा थोड़े बाद के अंदर, मतलब एक घंटे में मैं इसको धो लूँगी, मतलब जस्ट नॉर्मल वाटर से जब मैं नहाऊँगी उससे वॉश कर लूँगी, और कुछ नहीं, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो हो गई मेरे नहाना। नहाने के बाद मैं पूजा घर में आ चुकी हूँ और ये फल प्रसाद मैं काट रही हूँ, तो ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। फिर मैं दोपहर का नाश्ता करूंगी, तो देखो ठाकुर जी का सजाना भी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो मौसम भी है इसको मैं काट रही हूँ। तो मेरा जो नहाना था, मैंने बालों को नहीं धोया, तो आज नहीं धोऊंगी, मैं कल धोऊंगी, क्योंकि मेरा जो बाल का जो वो था ना, मतलब एलोवेरा का जो जेल था वो सूखा नहीं था, इसलिए मैं नहीं साफ़ किया। मतलब वो ऐसा ही सूख जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बालों को सुखाने के बाद आप लोग मतलब समझ ही नहीं सकते कि ऐसे कुछ लगा हुआ था। तो मेरा ये तो बात करते करते कंप्लीट हो गया, तो मैं भोग लगा रही हूँ, अब हो गया है, मैं अब आरती कर लेती हूँ। तो ये रही मेरी लंच। तो आज जो इलिश फिश है वही हुआ था फिर से, और ये रहे आज जो पूंछ की तरफ के साइड है वो लिया है, कल तो मैंने मुंडी खाई थी। और ये रहे करेला भाजा, कांधा था, फिश था, और वह रहे पुईशा, और कालवाली चटनी भी थी। दोपहर के बाद जब मैं सो रही थी लंच करने के बाद, तो एक मच्छर आया और काट दिया मुझे। देखो यहाँ पर काट दिया, मतलब इतना ज़्यादा मच्छर होता है ना शाम के वक्त, बहुत ज़्यादा होता है और काटती भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, परेशान कर रखा है मच्छर ने, क्या बताओ। तो आज शाम के वक्त थोड़ा सा मम्मी ने वो जो प्रसाद थी वो फल वगैरह मुझे दिया, और साथ में दिया ये जो नीली वाली जो चाय है, ये देखो कितना सुंदर कलर है। आप लोग तो शायद दिख नहीं रहा है क्योंकि आज जो कप है वो थोड़ा जो प्लास्टिक का कप है उसमें दिया है, अगर ट्रांसपेरेंट कप में होता तो आप लोगों शायद देख पाते। मतलब बहुत ही सुंदर कलर आया है आज, देखो पूरा एकदम डीप जो नील है। बाहर अभी बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, मतलब क्या बताओ कितना ज़्यादा बिजली कड़क रही है बाहर, बहुत तेज़ शायद बारिश होगी आज रात में।